देखिए आपका सिलेबस जो चल रहा था और जिसके ऊपर अपन कल चर्चा कर चुके थे और उसके विषय में काफ़ी पात्रों की स्थिति क्लियर मैंने आपको कर दी थी। टोटल 10-12 पात्र उसमें दिखाए हैं। शीर्षक क्या है था उसका, ग्लोबल गांव का देवता। तो ग्लोबल क्या चीज़ है उसके विषय में पूरा मैंने आपको समझा दिया। समझ आया या नहीं? नहीं आया तो दोबारा बताओ, नहीं फिर आगे में अपनी जो उपन्यास है उसका कहानी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। हैं? तो देखिए आपका उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता, लेखक कौन है? रणेंद्र। तो देखिए कल मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि शीर्षक की जो नामकरण की जो सार्थकता होती है ना उसका बहुत महत्व होता है। तो आपने सुना है कभी कि ग्लोबल गांव का दो देवता या फिर गांव का नाम? नहीं। लेकिन इसको किस तरह से शीर्षक रखा है इसका, तो जैसे अपन बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल का शाब्दिक अर्थ है वो दो, मतलब कई अर्थ, जिसमें दो का मतलब है कि एक वैश्वीकरण दिया है और एक भूमंडलीकरण। अब वैश्वीकरण का हो या भूमंडलीकरण का हो, क्योंकि बात एक ही है। इसका मतलब है कि आज का जो वर्तमान युग है वो क्या है? साइंटिस्ट का युग है, टेक्निकल युग है, विज्ञान का युग है। इसीलिए जो परिवहन के जो साधन है, परिवहन का मतलब जो आवागमन के साधन है जिसमें आप आते जाते हो, मोटर व्हीकल, तो संसार का कोई भी कोना दूर नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे विदेश में जाओ तो आप हवाई जहाज से चले जाओ, अंतरराज्य जाओ तो ट्रेन से चले जाओ, तो कहाँ दूर है? कोई देश दूर नहीं, कोई राज्य दूर नहीं है। तो फिर इसको क्या माना है? वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। इसका मतलब कि जो संचार के साधन और परिवहन के साधनों के कारण पूरे संसार को क्या मान लिया है? पूरे संसार को एक गांव का रूप दे दिया। अब इस ग्लोबल गांव के देवता के रूप में किसको माना है? जो लोग आकाशचारी कौन होते थे? देवता। आकाशचारी का मतलब कि जो आकाश में विचरण करते हैं वो आकाशचारी। तो आकाशचारी मानव तो हो नहीं सकता, लेकिन अब मानव हो रहा है, क्योंकि पहले देवता ऊपर चलते थे लेकिन आज का मानव भी ऊपर उड़ रहा है, तो आकाशचारी है, सीधी बात है। तो आकाशचारी जो मानव है उसके पास क्या है कि नई टेक्निकल की क्या है, जिसमें कल नाम दिया था मैंने सैटेलाइट। तो वो सैटेलाइट की नज़र से पृथ्वी पर सारी चीज़ों को देख लेते हैं और देखने के बाद जहाँ कोई चीज़ है, चाहे सोना है, चांदी है, बैक्साइट है, चाहे वो एल्युमिनियम है, चाहे कोई भी चीज़ है, लेकिन वो क्षेत्र जो दिखाया है वो कौन सा दिखाया है? आदिवासी जनजाति क्षेत्र। तो आदिवासी जनजाति क्षेत्र जब आकाशचारी देवता देखते हैं, जो वर्तमान मानव है उस आकाशचारी देवताओं में किस किस को शामिल किया है? जो बड़े अफसर लोग हैं, जैसे कल नाम दिया था किशन कन्हैया पांडे और गणेशर सिंह, जो दोनों बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। तो नेता लोग, बड़े कंपनियों के मालिक, बड़े अफसर लोग, जो वन विभाग के फॉरेस्ट अधिकारी हैं वो, और सरकार, सारे के सारे मिलके उस जनजाति इलाकों की छानबीन करते हैं। और जब उनको पता लग जाता है तो बस वो लोग क्या करते हैं? सरकार की सहायता से उन लोगों को वहाँ से खदेड़ देते हैं। बस यहीं से संघर्ष सरकार और जनजाति के जो लोग हैं
उनके बीच यहीं से संघर्ष चालू होता है। तो ग्लोबल नाम का देवता शीर्षक जो रखा है उसको बहुत सोच समझ के रखा है। तो देखिए, तो कल मैं आपसे बात कर रहा था और शुरुआत में मैंने दिखाई थी आपको इस उपन्यास की जो शुरुआत दिखाई है वो कहाँ से दिखाई है कि इसमें कोई भी जो नामकरण होता है उस नामकरण का कोई भी आधार है। जैसे मैंने कल कहा था कोई नायक नायिका के नाम का आधार हो सकता है, कोई घटना विशेष के आधार पर हो सकती है, कोई स्थान विशेष के नाम के आधार पर नामकरण हो सकता है, लेकिन यहाँ खुद रणेंद्र जी हैं जो इस चीज़ के क्या है, जो दृष्टा है, जिन्होंने उसको देखा है, अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए आदिवासी जनजाति जीवन के अनवरत संघर्ष का एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है इसको। क्यों? क्योंकि जनजाति जिस तरह से निवास करती हैं, अरे उनका न कोई उनकी कोई सभ्यता है, न कोई उनकी संस्कृति है, न कोई उनकी शिक्षा है, हैं? और सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको जो आधुनिक लोकतंत्र है, जो नेता लोग हैं, जो बड़े लोग हैं ना, उनको क्या करना चाहते हैं, निगल जाना चाहते हैं। निगलने का मतलब कि उनको समाप्त करना चाहते हैं और उनकी जो इलाके हैं उन पर अपना कब्जा करके अपना उत्पादन उद्योग धंधा बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने केंद्र बिंदु किसको बनाया है, जनजातीय क्षेत्र। ध्यान रखना, और जनजातीय क्षेत्र कौन सा है, झारखंड का है, झारखंड का जो क्षेत्र है। अब ये निशाना झारखंड का बनाया है लेकिन समूचे विश्व की जनजातियों को लेकर चर्चा की है रणेंद्र सिंह ने। भाई जनजातियों की चर्चा होगी तो पूरे विश्व की ही जनजातियों की चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने इसमें उदाहरण में दिया है, बताया भी है कि अमेरिकी की जो इनका एजिटिक रेड एडियंस जो जनजाति है ना, उनका भी खात्मा ऐसे ही किया जैसे बाहर देश की सरकार ने हमारी झारखंड की जनजातियों का खात्मा किया, सर्वनाश किया। तो सेम स्थिति है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे और कोई विदेश की हो, चाहे भारत देश की हो, लेकिन स्थिति सेम वही है, उनका सर्वनाश करने का तरीका एक ही है। और वो कौन है, ग्लोबल गांव के देवता, जो सरकार के साथ मिलके अपना काम करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरा दस्तावेज जो जनजाति है, जो आदिवासी है, जो बहुत पुराने लंबे समय से रहकर जंगल में क्या करती है, अपना जीवन यापन करती है, लेकिन जो नेता लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, अपनी मतलब अपने उपयोग के लिए उनको भी वहाँ से भी खाली करवा देते हैं। तो वो अनवर, अब देखिए इसमें शुरुआत जो दिया है, अब मैं शुरुआत बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कोई ऐसी कहानी नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत कहानी टाइप में बताने से आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी सी बैठ जाए। तो देखिए शुरुआत कहाँ से होती है कि इसका प्रत्यक्ष गवाह कौन है, रणेंद्र सिंह। अब रणेंद्र जो लेखक है उसने दिया है, मतलब उपन्यास का एक कथानक कथा वस्तु के रूप में शुरुआत की गई है, जिसमें दिया है कि एक अध्यापक है जिसकी पोस्टिंग हुई है। उससे पहले आदिवासी जनजाति के विषय में हमें पता नहीं, लेकिन जिस तरह से दिया है कि उपन्यास की कथा वस्तु की जो शुरुआत एक जो अध्यापक है उनकी पोस्टिंग होने से दिखाई है। अब देखिए वो अध्यापक और कोई नहीं है, खुद रणेंद्र है, और नायक भी यही है, क्योंकि प्रत्यक्ष गवाह है और दृष्टा है और भोग्या है, जिसने खुद ने देखा है, भोगा है, इसीलिए उसने सारी चीज को लिखा है अपने उपन्यास में। तो रणेंद्र कहता है कि जो कल मैं आपसे कह रहा था कि रणेंद्र कहता है कि मेरी पोस्टिंग हुई सेकंड ग्रेड विज्ञान के टीचर के रूप में, और पोस्टिंग कहाँ हुई थी मैंने आपको कल बताया था, बरवे जिला के प्रखंड खो या खंड खो ब्लॉक स्तर जो होता है, कि
जो बरवे जिला का जो खंड है जिसका नाम क्या था, कोयल बीघा। तो कोयल बीघा के अंदर क्या नाम बताया था, भोरा पाट, जो झारखंड में है, जो एक पहाड़ी नुमा स्थल है उसके ऊपर वो बना हुआ है। और मेरे घर से करीब कितना है, 250-300 किलोमीटर दूर है। तो मैं भाई देखो, नौकरी जब लगती है तो खुश तो होते हैं, तो खुश तो खुशी तो मुझे इस बात की थी कि चलो मेरी नौकरी लगी। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरी नौकरी कहाँ लगी है, कोयल बीघा भोरा पाट, तो मैं तो देखकर मेरी हालत खराब हो गई। क्यों? कि वो क्षेत्र कौन सा था, आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र था, जिनका न कोई सभ्यता है, न कोई रहन सहन है, न कोई संस्कृति है। अब वहाँ मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाता। शायद ये परिणाम जो उसने दिया है, लिखा है, कि शायद ये परिणाम मेरे सामने कैसे आया, जैसे मेरी माँ शायद मुझे पिछली रोटी देती हुई। पिछली रोटी इसका मतलब भाग दुर्भाग्य समझता हूँ मैं इसको, कि मेरी पोस्टिंग यहाँ हो। लेकिन अब उसने जो दिया है कि पोस्टिंग जब मेरी हुई 30 जून को होनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने प्रयास भी किया कि यार यहाँ से नौकरी इसको कहीं और दूसरी जगह कर लिया जाए मेरी पोस्टिंग को। लेकिन उसने दिया है कि मेरे ही गांव के एक चाचा हैं, और उन चाचा के संबंधी जो हैं वो क्या है, विधायक। क्या दिया है, विधायक। और विधायक कौन है, जिसका नाम क्या दिया है, रामाधार। रामाधार ये विधायक हैं, रामाधार। तो मैंने चाचा से कहा कि चाचा जी, कि जो विधायक साहब हैं ना, उनसे अगर आप कह दें तो मेरी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह हो जाए तो ठीक रहेगा। तो मैं और मेरे चाचा जी जो है ना, वो सुबह सुबह मिठाई का डिब्बा लेके विधायक जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि ये इनके चाचा के रामाधार विधायक हैं ना, ये समी जी लगते हैं। तो कहता है कि मेरे जो अंकल हैं वो मिठाई का डिब्बा लेकर रामाधार समी जी के पास गए, उनसे कहा कि समी जी हमारे बच्चे की पोस्टिंग हुई है, ये कहाँ रहेगा, ये इलाका, ये रहन सहन कहाँ, अपनी बहुरिया रखेगा, बहुरिया बहुरिया का मतलब अपनी पत्नी को। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा, और उन्होंने तुरंत अपने पीए को ऑर्डर दिया, और पीए से कहलवा दिया, और पीए ने कह दिया कि भाई इनकी पोस्टिंग कैंसिल कर दी जाए, हमारे समधी जी आए हैं। तो वो कहता है कि काम तो ऐसा किया, व्यवहार तो ऐसा किया उन्होंने कि जैसे कोई वास्तव में ये मेरा ट्रांसफर दूसरी जगह कर देंगे, या मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह कर देंगे। लेकिन आश्वासन मिला, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब धीरे 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 हमारे सामने फोन किया और उन्होंने कह दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी पोस्टिंग का समय भी आ गया, और मुझे अंततः परिणाम ये मिला कि कोई MLA जो हैं विधायक साहब, कोई काम नहीं आए, और मेरी अंततः पोस्टिंग वहीं भोरा पाट में हो। अब जब मैं भोरा पाट पहुंचा, तो मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि एकदम स्थिति अलग थी, कि न तो परिवहन का साधन है स्कूल में आने जाने का, और वहाँ जो स्कूल है एक ऊंची पहाड़ी पर बना है, स्टाफ में भी आदमी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी कौन है, मैडम है, और दो मैडम हैं, और एक जो एतवारी आई है, कल मैंने आपको लिखा था, एतवारी महिला आई थी ना एक पात्र में, तो एतवारी है ना वही इस स्कूल की चपरासी है, एतवारी कि एतवारी जो है ना एक जो है जो स्कूल है उस स्कूल में एतवारी नाम की महिला है, और एक हेडमास्टर नहीं है, और एक कौन है, दो मैडम और हैं, और एक रानी बाबू है। तो थोड़ा सा चलो जैसा भी स्कूल मिला ठीक, लेकिन जैसे मैंने वहाँ की बदहाल स्थिति देखी है कि न तो स्कूल की स्थिति सही है, और न क्वार्टर वगैरह जो है ना उनकी स्थिति ठीक है, अब उनमें रहें तो कैसे रहें, मन भी नहीं करता।
साफ सफाई कुछ नहीं। लेकिन अब जो मैंने सुना है, क्या मैंने सुना था कि यहाँ असुर जनजाति निवास करती है, असुर जनजाति। अब ये असुर क्या है? अरे असुर का मतलब एक शब्द आया था इसमें, असुर समुदाय जनजाति के नाम से समुदाय का वर्गीकरण किया है। तो कहता है कि असुर समुदाय, तो मैंने सुना था तो मैं तो आइडिया ये लगा रहा था कि भाई असुर कैसे होते हैं, कि बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत, तो मैं तो उस हिसाब से आगे लगा रहा था, और ऐसे असुरों के बीच में मैं कैसे नौकरी कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा लालचंद बालचंद और इतवारी ने सब कुछ बताया, और मुझे लगा कि यार मैंने जो सुना था वो तो सब कुछ ही भ्रम था, यहाँ तो सब ही उल्टा पुल्टा है। यहाँ दिया है जिसमें ललिता है, सलोनी है, लालचंद है, बालचंद है, इतवारी है, बोले यहाँ तो सभी के सब लंबे पूरे गोरे चिट्ठे आदमी हैं, न तो किसी के लंबे नाखून है, न किसी के लंबे बाल है, न कोई काला है और न किसी के सींग है। इसका मतलब है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा, कि ये नाम से ही मुझे डर लग रहा था कि जनजाति समुदाय असुर समुदाय है, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा मिला। लेकिन अब जो दिया है उसने कि मैंने उसमें नौकरी की स्थिति की, और उसमें नौकरी की वहाँ कोई रहने करने की सुख सुविधा फैसिलिटी नहीं थी, तो जो मेरे स्टाफ के जो लोग थी, मैडम और वो थी, तो वहाँ से जगह दिखाया है कि 3-4-5 किलोमीटर एक शहर है जिसका नाम दिया है सखुआ पाट। नाम पाटी पाट क्योंकि पथरीला इलाका है झारखंड का, इसलिए पाट शब्द ज़्यादा आया है, वहाँ बोहरा पाट आया है, यहाँ सखुआ पाट आ गया। तो कहते हैं कि स्कूल से थोड़ा सा दूर क्या है, सखुआ पाट बाजार है, वहीं सारे लोग रहते हैं, वहीं से डेली का स्कूल में आना जाना होता है। मेरे लिए एक समस्या हो गई कि अजनबी था, कहाँ रुकूँ, क्या करूँ। लेकिन स्कूल के क्योंकि वो स्कूल कैसा दिखाया है, आवासीय विद्यालय, आवासीय का मतलब कि जिसमें बच्चे और बच्ची सारों का रहने का स्थान होता है, तो आवासीय विद्यालय था। लेकिन स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसी में रुकता। जो एतवारी नाम की जो औरत है वो अच्छी औरत थी, व्यवहार कुशल थी, प्रेम इसने भी था, और उसका आदमी जो है वो कहाँ काम करता है, माइनिंग में। माइनिंग का मतलब कि जो खाने हैं क्योंकि सारी कंपनी लगी हुई है खोदने में, तो खाने हैं उसमें काम करता, उसको कोई मतलब नहीं। शाम के आया, दारू पी के सो गया, बस उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन एतवारी जो है चपरासी स्कूल की, वो बराबर मुझे दोनों टाइम खाना वाना बना के दे देती थी, तो मुझे कुछ थोड़े से आदमियों का व्यवहार और वो सब कुछ ठीक लगा। तो मेरा एकदम दिमाग अब मुझे धीरे धीरे क्या होने लगा, एक अपने तो का भाव और सारी जो स्थिति है आसपास की, और आदिवासी जो जनजाति है जिनके विषय में मैंने सुन रखा था, असुर, तो असुर का जो भय था ना वो निकल गया। और ये जो असुर हैं, ये असुर कैसे हैं, उन्होंने क्या दिया है। रणेंद्र कहता है कि ये जनजाति जो असुर है ना, तो इनका आज से ही नहीं, देवराज इंद्र से लेके और वर्तमान में कौन, MP MLA, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नौकर, फॉरेस्ट अफसर और जो पुलिस अफसर, जो जितने बड़े लोग हैं, उन सारे के सारे देवराज इंद्र से लेके सारे के सारे राजनेता और MP MLA और सरकार, बड़े अफसर, सारे के सारे लोग क्या करने में लगे हुए, शोषण करने में लगे हुए हैं। ये मैंने देखा है, अब वो देखा है, इसीलिए उसको उसके मन में, रणेंद्र जी के मन में सहानुभूति प्रकट हुई है, इसीलिए वो खुद ने देखा ही देखा नहीं, अब वो धीरे धीरे इन आदिवासी लोग जो हैं जिन्होंने आंदोलन किया है अपने बचाव के लिए, अब ये खुद उसमें भी शामिल हो गए हैं। देखा ही देखा नहीं है, इन्होंने भोगा भी है, इसीलिए ये आदिवासी जनजाति के क्षेत्र में क्या है कि उन्हीं के सक्रिय
आंदोलन में पूरा भाग लेने लग गए, जब तो इतनी निकटता के साथ सारी बातों को देखा है। अब वो क्या कहती है कि मुझे पता नहीं, लेकिन अब उसने क्या कहा है कि मैं क्या देखता हूँ कि कभी कभार में स्कूल से सखुआ पाठ जो ट्रक और ट्रैक्टर भी दिए कि ट्रक ट्रैक्टर में लटक के जैसे तैसे पहुंच जाता था, फिर वहाँ से आ जाता था। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि एक दिन कौन कि जो एक आदमी है जो बड़ा घबराया हुआ खून से लथपथ भागता हुआ आया और वह आकर सीधे मेरे कमरे में आके घुस गया। मुझे बड़ा डर लगा, अचानक मैंने देखा तो वहाँ एतवारी भी थी। तो एतवारी ने जैसे ही वो आदमी घुसा, एतवारी ने कहा अरे ये तो हमारे लालचंद दादा है, लालचंद दाल शब्द बोला है कि लालचंद दा है, बोला आप जानते हो इनको? हाँ बोल मैं जानती हूँ, बोल बेगू बाबा है, नाम दिया है कि बेगू जो बाबा है ना जो नवा टोली कल मैंने बताया था आपको कि नवा टोली के क्या है ये प्रधान हैं, सरपंच जिनको अपने यहाँ कहते हैं वह प्रधान बोलते हैं, यूपी में भी प्रधान बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बेगू बाबा के नवा टोली के प्रधान हैं, ये तो कौन लालचंदा, बोले जब लालचंद बोल यही असुर हैं, बोला असुर यही हैं। तो मुझे बड़ा वो लगा कि असुर जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ कि ये खून से लथपथ एकदम आए तो इनका मतलब है कि कहीं रास्ते में उनको कौन मिला है, एक शब्द दिया है मुंडी कटिया शब्द आया है इसमें मुंडी कटिया। तो मुंडी कटिया एक समुदाय है जो क्या करता है, जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करता है जबरदस्ती और उन लोगों को मार पीट कर भगा देता है। तो कहीं रास्ते से कौन आ रहा था, लालचंद साइकिल से आता हुआ दिखाया है रास्ते में, उसको कहीं मुंडी कटिया लोग मिल गए और उन लोगों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया। तो जैसे तैसे साइकिल पटकी और वो पैदल ही भागे, लेकिन फिर भी शरीर और सिर विर में कई जगह चोटें उसके आ गई। तो भाग दौड़ के उसने मेरे कमरे में आके जान बचाई। जब मेरा थोड़ा सा परिचय हुआ किससे, लालचंद से, तो लालचंद बालचंद रुमझुम इतवारी सलोनी ललिता बुदनी, ललिता कौन है, ललिता लालचंद की भतीजी है जो पढ़ी लिखी है अच्छी। अब देखिए इसमें बीच में आएगा थोड़ा सा जो लेखक खुद स्वीकार किया है लेखक ने, क्योंकि ललिता के साथ लेखक के थोड़े से आत्मीय प्रेम संबंध दिखाए गए हैं, लेकिन बाद में ललिता मर जाती है। लेकिन उससे पहले की जो स्थिति है, तो ये अब क्या कहता है रणेंद्र कहता है कि मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन यहाँ जो लोग हैं, जब मैं यहाँ रहने लगा तो एक तो डॉक्टर रामकुमार, एक लालचंद, एक बालचंद और एक रुमझुम, ये चारों पांचों जो लोग हैं ना, इन्होंने मुझे पूरी जो आदिवासी जनजाति है उनकी तस्वीर खींच दी मेरे सामने, हर चीज से वाकिफ करवा दिया इन लोगों। तो मुझे भी इनकी प्रति क्या आत्मीयता का भाव जगा। तो अब उन्होंने बताया है कि भाई किन किन लोगों ने कैसे इन लोगों को परेशान किया है, थोड़ी सी चर्चा अपन उस पर करेंगे। तो देखिए जैसे उन्होंने कहा है कि भाई आदिवासी जनजाति है ना, उनको सरकार जो है, जो एमपी एमएलए हैं, जो बड़े अफसर हैं, जो वो क्या करते हैं, जो राजनेता है वो किसी तरह से सरकार के साथ अटैच होके, और आदिवासी जनजाति जो क्षेत्र है ना वो क्या कहते हैं कि आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी अब ये आदिवासी क्षेत्र है उसमें क्या निकलता है, बाट साइट दिया है, आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें क्या दिखाया है, बाट साइट, ये बाट साइट निकलता है। अब जब ये धातु निकलता है तो इस धातु से वो क्या करते हैं, अपना
भाई खोद खाद के अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं करने देते। और उनको क्या करते हैं कि बादशाह जिसमें दिया है कि पहली पहली कंपनी तो कौन आ गई, टाटा। पहली कंपनी कौन आ गई, टाटा। और टाटा के मालिक कौन है, केसर सर, केसर कन्हैया। तो किशन कन्हैया टाटा कंपनी ने क्या कर लिया कि जो उनकी धातु थी, धातु 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 का मतलब ये बैक साइड, ये धातु, इसको धातु को इनका काम था, इनका पहले आदिवासियों का काम दिखाया है कि जो आदिवासी जो लोग हैं ना वो क्या करते थे कि जो बैकसाइट है जो धातु के रूप में उसको गलाने का काम करते थे, गलाने का। और गला कर क्या बनाते थे, औजार बनाते थे गला कर, तो उनका जीवन यापन चलता रहता था। लेकिन उसको भी छीन लिया, उनको भी छीन लिया और बेरोजगार बना दिया। किसने, टाटा कंपनी। एक एक का आगमन हुआ है आदिवासी क्षेत्र में। और दूसरी चीज उन्होंने क्या दिखाई है, वेदांत। वैसे नाम देसी है लेकिन कंपनी भी देसी है, जिसमें क्या दिया है, वेदांत। अब ये वेदांत क्या है, कंपनी, ये विदेशी कंपनी है, ध्यान रखना, विदेशी कंपनी है ये। और इस विदेशी कंपनी का कौन है, गोनू। गोनू का मतलब गणेश्वर, ये गणेश्वर। गणेश्वर इस कंपनी का मालिक है, जो पूरे इलाके में अपनी जो भी